तकनीक ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है। मनुष्य जिसने तकनीक की मदद से कई नई चीजों को जीवन दिया है, उन्हीं के आधार पर उसने अपने जीवन को पहले से अधिक आरामदायक बना दिया है। खासकर स्मार्टफोन उपलब्ध होने के बाद मनुष्य का जीवन बदल गया है, लेकिन यह एक स्मार्टफोन नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जो आधुनिक तकनीक द्वारा संचालित किसी सुविधा का उपयोग नहीं करता है। जब मैं सुबह उठता हूँ, मुझे फोन नोटिफिकेशन टीम सुनाई देता है। सोते समय आपको फोन पर अपडेट की जांच करनी चाहिए, उसके बाद हमें जाना होगा और ब्रश करना होगा। ये हमारे जीने के तरीके के बारे में है, लेकिन एक गांव इन सबसे बिल्कुल अलग है। यह आधुनिक समय में एक प्राचीन गांव है। बिजली नहीं है, सीमेंट और लोहे का उपयोग इमारतों के लिए नहीं किया जाता है और शिक्षा के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है। सभी ग्रामीण प्रकृति की गोद में आराम से रहते हैं, भले ही वे उच्च अध्ययन और बड़ी नौकरियों के साथ एक समृद्ध जीवन जीते हैं। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कुर्मा गाँव के उस गाँव की खास बातें। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने का समय नहीं है। सुबह अलार्म बजने पर फोन स्टॉप नहीं होता। बाहर की दुनिया को, वहाँ जो हो रहा है वो अलग है। यह मत सोचो कि यह कहीं है, वह गांव श्रीकाकुलम जिले में है। कुर्मा पहले से ही एक गांव के रूप में प्रसिद्ध है। प्रातः 4 बजे उठकर पहले आरती और भगवान की स्तुति प्रसाद लेने के बाद वे किसी के काम का ध्यान रखते हैं। कुर्मा गांव में घर के कामकाज, वर्चुअल मीटिंग आदि के लिए स्वचालित गैजेट उपलब्ध नहीं है। वे तकनीक के बिना जीवन जी रहे हैं। वैसे भी आप समय में पीछे नहीं जा सकते, तो उन्होंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि तरीकों को पीछे की तरफ बदल दिया जाए। आधुनिक जीवन शैली को एक तरफ रख दिया गया है। कोई भी समझ सकता है कि वे किस तरह का जीवन जीते हैं। यहाँ छात्रों के लिए कोई शुल्क नहीं है। गुरुकुल के 16 छात्र हैं। जब आप श्रीकाकुलम जिले के कुर्मा गांव में प्रवेश करते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आप प्रकृति में जा रहे हैं। शुद्ध ग्रामीण भारतीय जीवन शैली स्वागत सा लगता है। गांव में पक्के मकानों में रहने के बजाय मिट्टी के मकान मिल रहे हैं। इस गांव में मकान बनाने के लिए लोहे और सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ की झोपड़ियाँ भारतीय पारंपरिक तरीके से रेत, चूने, गुड़ आदि के मिश्रण से बनाई गई है। कपड़ों के लिए किसी डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जैसे हम करते हैं। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ 200 साल पुरानी भारतीय ग्रामीण जीवन शैली बसी है। यहाँ 12 परिवार, 16 गुरुकुल के छात्र, कुल 56 लोग रह रहे हैं।
बहुत से लोग हर समय आते हैं और दर्शन करते हैं। कोई भी हो सकता है अगर वे बनना चाहते हैं। दुनिया अगर तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है तो ये गांव वाले कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण जीवन में ही खुशहाली है। एक और खास बात यह है कि इस गांव में विदेशी भी आते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था भूमि और गायों पर आधारित है। वे अनाज, दालें, सब्जियां और कुछ फल उगाते हैं और खाना पकाने के अन्य आवश्यक सामानों के लिए आसपास के गांवों में किसानों के साथ इनका आदान प्रदान करते हैं। आश्रम और गुरुकुल में आने वाले हजारों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और कृष्ण भावनामृत सिखाया जाता है। आश्रम के सिद्धांतों का पालन करने वाले बाहरी लोगों को आश्रम में रहने की अनुमति है। आने वाले परिवारों और ब्रह्मचारी भक्तों को अलग अलग रखा जाता है। गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक समाज से दूर प्राचीन रीति रिवाजों से आज भी जीवित रहने वाले श्रीकाकुलम जिले के कुर्मा गांव की कई विशेषताएं हैं। ताज्जुब की बात है, यह आधुनिक जमाने में एक प्राचीन गांव है। कुर्मा लोगों की जीवन शैली हर किसी को हैरान कर रही है। वे एक अलग रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं और पूरी तरह से पुराने तरीकों का पालन कर रहे हैं। कहा जाना चाहिए यह गांव ग्रामीण लोगों के तौर तरीकों और गुरुओं के जीवन के तरीकों का आईना है।